गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, अब देखो लास्ट लेक्चर में जो है हमने क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी. अब उन वैल्यूज की हेल्प से जो है वी कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एडेड इन ईच सबशेल. इसके लिए जो है हमारे पास एक प्रिंसिपल है एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या है कि एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. कि एक ऑर्बिट पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जो एक ऑर्बिटल होगा उसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड दे मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन. कि इन दोनों की जो स्पिन भी होनी चाहिए वो स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए. जब हम स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमारे पास एस की दो वैल्यूज होती है, प्लस वन बाय टू एंड माइनस वन बाय टू. प्लस वन बाय टू रिप्रेजेंट करती है उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इस तरीके से एंड एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट माइनस वन बाय टू वैल्यू. अब जो मेरे पास एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों की जो स्पिन होगी वो स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल एस सबशेल है, एस सबशेल के अंदर हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलर वे में पी सबशेल, पी के अंदर टोटल हमारे पास थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं तो थ्री टू जा सिक्स, यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. डी सबशेल के अंदर टोटल फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं तो टेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड एफ सबशेल के अंदर सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसमें हो जाएंगे फोर्टीन इलेक्ट्रॉन. कि एक ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब देखो जो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी सबशेल में वो जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करते. जस्ट बिकॉज यहाँ पे देखो मेरे पास दो हैं, एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन के लिए एल की वैल्यू भी जीरो और एम की वैल्यू भी जीरो. सिमिलर वे में यहाँ पे मीन्स एन एल एम तीनों वैल्यू सेम है बट यहाँ पे क्या चेंज है, स्पिन. इसकी स्पिन है एस इज इक्वल टू प्लस वन बाय टू और इसकी स्पिन है एस इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू. तो जो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी सबशेल में वो डजंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्लियर? इस वे में जो है हम वेरियस सबशेल्स में निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. लाइक मेरे पास एन इज इक्वल टू वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वन है, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो. एल इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स वन है सबशेल, वन है सबशेल है, एल इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से एम की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो. एम इज इक्वल टू जीरो, एक ऑर्बिटल है, टोटल टू इलेक्ट्रॉन. सिमिलर वे में एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू टू के लिए टू वैल्यूज होंगी, एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू वन. एल इज इक्वल टू जीरो के लिए टू एस हो जाएगा और एल इज इक्वल टू वन के लिए टू पी हो जाएगा. सिमिलर वे में एल इज इक्वल टू जीरो के लिए एम इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू जीरो वन ऑर्बिटल और एल इज इक्वल टू वन के लिए एम की थ्री वैल्यूज होंगी, दैट इज माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन. टोटल जो है हमारे पास तीन ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल ये है तो इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स, इन थ्री ऑर्बिटल्स में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इन द सिमिलर वे एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू थ्री के लिए एल की वैल्यू जीरो वन टू, जीरो के लिए थ्री एस, वन के लिए थ्री पी, टू के लिए थ्री डी. अब एल इज इक्वल टू जीरो है तो एम इज इक्वल टू भी जीरो होगा, एल इज इक्वल टू वन इसके लिए थ्री वैल्यूज होंगी एम की, माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन. और एल इज इक्वल टू टू के लिए एम की वैल्यूज माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन एंड प्लस टू. तो इस तरीके से वन ऑर्बिटल है तो टू इलेक्ट्रॉन्स, थ्री ऑर्बिटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, फाइव ऑर्बिटल्स टेन इलेक्ट्रॉन्स और टोटल हमारे पास ये हो जाएंगे एटीन इलेक्ट्रॉन्स. इन अ सिमिलर मैनर एन इज इक्वल टू फोर, एल की वैल्यू जीरो, वन, टू एंड थ्री. एल इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू फोर, फोर एस, फोर पी, फोर डी एंड फोर एफ. 4s इसमें l इज इक्वल टू जीरो तो m की वैल्यू भी जीरो होगी, m इज इक्वल टू जीरो. l इज इक्वल टू वन, m इज इक्वल टू माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन. l इज इक्वल टू टू तो m की वैल्यू माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू और इसके लिए माइनस थ्री से लेके माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू एंड प्लस थ्री. टोटल सेवन ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, वन ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन, थ्री ऑर्बिटल सिक्स इलेक्ट्रॉन, फाइव ऑर्बिटल टेन इलेक्ट्रॉन एंड सेवन ऑर्बिटल्स फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स. इन सबको आप टोटल करोगे तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसे प्रिंसिपल ने क्वांटम नंबर की हेल्प से जो है हम किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब देखो जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व किया था उससे हमें जो है एनर्जी स्टेट की वैल्यू मिलती है ई की और वेव फंक्शन साई की, कि उन एनर्जी वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्ड कौन सा वेव फंक्शन होगा. अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको जो है हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में एक्सप्लेन किया था. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई एंड जेड. अब इसके सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए कि इक्वेशन जो है इजीली सॉल्व हो जाए, ये ज्यादा कन्वीनियंट है कि हम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जो है
कन्वर्ट कर लेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा एंड फाई। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से चेंज करके पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन क्या होती है, 1/r² करली बाय करली आर, आर स्क्वेयर करली साई बाय करली आर प्लस 1/r² साइन थीटा, करली डिवाइडेड बाय करली थीटा साइन थीटा, करली साई बाय करली थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वेयर थीटा, करली 2 साइन बाय करली फाइन स्क्वेयर प्लस 8π² म्यू डिवाइडेड बाय h² ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है, बट ये है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, और जो यहाँ पे मैंने म्यू यूज किया है ये म्यू के रिप्रेजेंट कर रहा है रिड्यूस्ड मास को, एंड दैट इज इक्वल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 यहाँ पे होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और m2 रिप्रेजेंट मास ऑफ न्यूक्लियस। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है इसको जो हम 3 वेरिएबल्स के लिए, दैट इज r थीटा एंड फाई, तीनों के लिए जो है सेपरेटली जो है सोल्व कर सकते हैं। और जो मेरे पास एक तरह से बात करें कि ये जो इक्वेशन है कंप्लीट इक्वेशन, ये क्या है, प्रोडक्ट है 3 फंक्शंस का। इसमें जो r होगा इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे साई r थीटा फाई इज इक्वल टू r, r किसको डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के लिए। जो फंक्शन हमने r यूज करा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस r के ऊपर, और जो phi लिखा है ये एंगल थीटा के ऊपर, और जो साई लिखा है वो एंगल साई के ऊपर। तो इस इक्वेशन को जो हम कंबाइन है इस तरीके से लिख देंगे। अब इस इक्वेशन में क्या है, 3 सिंपल इक्वेशन में जो रिजल्ट है वो 3 सिंपल इक्वेशन में डिवाइड होगी, और हर किसी में 1 वेरिएबल है, तो इसको जो सोल्व करना है वो काफी ईजी है। अब अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो इसमें जो कुछ हमें कॉन्स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से कॉन्स्टेंट, क्वांटम नंबर्स, लाइक फॉर एग्जांपल आरआर है आर रेडियस, ये डिपेंड करती है 2 नंबर्स के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेकंड एजीमिथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट थीटा, ये डिपेंड करता है एल एंड एम दोनों क्वांटम नंबर के ऊपर। फाई डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। तो इसको जो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो पहले वाला है फंक्शन आर ये रिप्रेजेंट करेगा इसके रेडियल पार्ट को, और जो ये दोनों एंगल है ये रिप्रेजेंट करेंगे इसके एंगुलर पार्ट को। तो जो इक्वेशन है इसमें वेव फंक्शन जो है हमने प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन के फॉर्म में जो है इसको शो किया है। एक उसमें से डिपेंड करेगा आर के ऊपर, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जो नेक्स्ट 2 हैं वो डिपेंड होंगे L एंड M के ऊपर, और वो किसके होंगे, एंगल को। तो इसको हम बोलेंगे रेडियल पार्ट और इसको हम बोलेंगे एंगुलर पार्ट। क्लियर। अब जो मेरे पास रेडियल पार्ट है इससे जो होगा डिनोट वो होगा रेडियल वेव फंक्शन, और ये क्या होगा, इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियल मीन्स रेडियस, इलेक्ट्रॉन का जो है न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। आर फंक्शन इज इक्वल टू आर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एन के ऊपर, एल के ऊपर। एंगुलर वेव फंक्शन ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्शन कौन बताएगा, एंगल थीटा एंड एंगल फाई। और ये क्या डिटरमिन करेगा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। फर्स्ट जो रेडियल पार्ट है वो तो कि इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, और जो सेकंड एंगुलर वेव फंक्शन है ये बताएगा ऑर्बिटल की जो है शेप किस तरीके की होगी। इसको वाई से लिख लेते हैं, वाई थीटा फाई इज इक्वल टू थीटा इंटू फाई, और कंप्लीट वेव फंक्शन क्या आगे, साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर वाई, और वाई में 2 फैक्टर आगे थीटा एंड फाइन। क्लियर। तो जो मेरे पास अभी कंप्लीट वेव फंक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को। इसमें जो रेडियल पार्ट है ये बताएगा इसके साइज के बारे में, और जो एंगुलर पार्ट है वो डिटरमिन करेगा इसकी शेप को। अब देखो आगे कि जो इसके सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, इनको याद रखना काफी डिफिकल्ट है। तो इसको जो है इसमें हम इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन बनाएंगे, उन जनरलाइजेशन को हम जो है लर्न करेंगे। अब देखो जैसे फर्स्ट जनरलाइजेशन क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल आर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा एंड फाई। अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूँ, वेव फंक्शन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। तो जो वेव फंक्शन है एस ऑर्बिटल के लिए, मैं बात करूँ एस में सारे आ जाएंगे 1s 2s 3s, उस केस में जो वेव फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट होगा, ना वो एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा और ना ही फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आर के ऊपर। आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसलिए जो जितने भी हमारे पास एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, बिकॉज वो जो है एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, उससे जो है इंडिपेंडेंट है। दस एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अब देखो जैसे 1s के लिए मैं बात करूँ, 1s के लिए रेडियल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है हमारे पास। ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो पूरी कॉन्स्टेंट ही होगी, 2z डिवाइडेड बाय a0 रेस टू द पावर 3/2, ये पूरी टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट है।
कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स कि जो रेडियल पार्ट है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वाले फैक्टर के ऊपर, ई रेस टू द पावर माइनस जेड आर डिवाइडेड बाई ए नोट। अब देखो इसमें जो है रेडियल पार्ट दैट इज रेडियस आर, आर ई रेस टू पावर माइनस आर में है, मीन्स जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे रेडियल फंक्शन एंड रेडियस के बीच में, तो जैसे जैसे रेडियस जो है इंक्रीज होगी, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, माइनस में इंक्रीज हो रही है, तो ये आर जो रेडियल वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से आ जाएगा डाउन। सिमिलर वे में अगर मैं 2s की बात करती हूँ, 2s के लिए जो रेडियल फंक्शन होता है उसकी ये वैल्यू होती है। इसमें भी जो फर्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म है वो तो सभी कॉन्स्टेंट है, सेकंड ब्रैकेट में r है एंड e रेस टू पावर, इसमें दो हमारे पास टर्म्स गिवन है r के जो है जो वेरी करेंगी वैल्यूज, एक तो ये वाली टर्म है 2 माइनस जेड आर डिवाइडेड बाई ए नोट और एक ये वाली सेकेंड टर्म है। अब इस केस में क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो है जैसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज होगी ये फैक्टर जो है डिक्रीज करेगा, बिकॉज आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये माइनस में है और ये आर की वैल्यू भी स्मॉल है, तो ये टू में से माइनस कर रहे हो आप, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरऑल तो नेगेटिव आ जाएगा फंक्शन, स्टार्टिंग में वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी। बट अगर मैं बात करती हूँ व्हेन आर इज इक्वल टू टू ए नोट, जब आर की वैल्यू मेरे पास टू ए नोट की इक्वल हो जाएगी, देखो उस केस में क्या होगा, मैं ये वाला फैक्टर लेके चलूँ, आर को हम टू ए नोट पुट करेंगे, जेड जो है हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये टू ए नोट डिवाइडेड बाई ए नोट, ए नोट से ए नोट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, टू माइनस टू जीरो। तो इस पार्ट पे, इस पॉइंट पे क्या होगा, व्हेन आर इज इक्वल टू टू ए नोट, आर जो रेडियल पार्ट वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, एक नोड प्रेजेंट होगी। और फिर फर्दर जब हम आर की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, आर इज ग्रेटर देन टू ए नोट, तब उस केस में क्या होगा, फंक्शन जो है फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो जैसे जैसे वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगा, डिक्रीज करेगी, फिर ये है जीरो पॉइंट जहाँ पे जो है नोड आ जाएगी, इस पॉइंट को हम बोलेंगे जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए नोड, और ये जो है इस तरीके से वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाएगी। इन अ सिमिलर मैनर 3s ऑर्बिटल की बात करें, 3s ऑर्बिटल के बीच में जो है टू नोड्स प्रेजेंट होंगी, तो आपको जो है जनरल ये याद रखना है ns ऑर्बिटल जो है उसके अंदर n माइनस वन नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होगी, 1s में जीरो नोड है, 2s में वन नोड, 3s में टू नोड, तो ns ऑर्बिटल में कितनी होंगी, n माइनस वन नोड्स। अब ये 3s के लिए है रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट, डिक्रीज होगी वैल्यू, पहले एक पॉइंट आ जाएगा नोड जहाँ पे जीरो हो जाएगी वैल्यू, फिर ये वैल्यू डिक्रीज होगी इस तरीके से, यहाँ पे दोबारा से जीरो, और ये फिर फर्दर जो है इंक्रीज करेगी वैल्यू। क्लियर? अब देखो ये तो अभी हमने बात की थी 1s की, 2s की, 3s की, अब आगे बात करते हैं 2p की। p के अंदर टोटल हमारे पास थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज px, py एंड pz, 2px, 2py एंड 2pz। इनका अगर हम रेडियल वेव फंक्शन देखें, देखो रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू जो है ये है, पहले वाली टर्म पूरी कॉन्स्टेंट है, जेड आर डिवाइडेड बाई ए नोट और ई रेस्ट पावर माइनस जेड आर। इस केस में क्या है, 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल, तीनों ही केस में जो मेरे पास रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। और रेडियल वेव फंक्शन हमें क्या बताती है, उसके साइज के बारे में, दैट मीन्स कि इन तीनों का जो साइज होगा वो साइज क्या होगा, तीनों का सेम होगा। अगर मैं एंगुलर पार्ट की बात करूं, एंगुलर पार्ट पे डिपेंड करता है बट डिफरेंट वे से, तो जो तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो शेप होगी स्पेस में वो क्या होगी, डिफरेंट शेप होगी। क्लियर? अब देखो डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, जेड आर डिवाइडेड बाई ए नोट, ई रेस टू पावर माइनस जेड आर डिवाइडेड बाई टू ए नोट, इस वाले फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से स्टार्टिंग में जो है जब हम जेड, यहाँ पे जो है उस वाले में टू माइनस था, यहाँ पे माइनस वाला तो कोई फैक्टर नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो टू पी ऑर्बिटल के स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी, लेकिन जब आर की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो ये फैक्टर जो है नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो है वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर मैं 3p ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, 3p ऑर्बिटल में वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, और डिक्रीज भी जीरो तक होगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड, इसके बाद जो है वो नेगेटिव में चल जाएगी वैल्यू इस तरीके से। तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे देखो 3p के ऑर्बिटल केस में भी क्या हुआ, वन नोड आ गई, 2p वाले केस में एक भी नोड नहीं है। एस ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, उसमें आर की वैल्यू जीरो कब होती है, जहाँ पास मैक्सिमम आर इज इक्वल टू जीरो मैक्सिमम, उस केस में क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, इन तीनों की अगर मैं बात करूँ, तो व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो होगी, तो एट पॉइंट जीरो पे ये वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, इंक्रीज करेगी वैल्यू, दैट मीन्स कि ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, उसमें जो है आर इक्वल टू जीरो से फर्दर डिक्रीज हो रही थी, तो एस के केस में डिक्रीज करेगी और पीडीएफ के केस में इंक्रीज करेगी। अब आगे बात करते हैं 3d ऑर्बिटल की।
3D ऑर्बिटल के केस में भी क्या है हमारे पास कि ये जो आएगा हमारे पास इस तरीके से प्लॉट आएगा, वैल्यू जो है इंक्रीज होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा एक हाई पीक तक वैल्यू जाएगी, उसके बाद जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलर वे में 4F में भी वैल्यू पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। तो आपको जो है जनरली याद रखना है SP, D और F में जो है जो फर्स्ट वाला सबसे फर्स्ट सबशेल है उसमें जो 0 नोड्स प्रेजेंट होंगी उसके बाद जो है वो नोड्स आने स्टार्ट होंगी। लाइक S में सबसे फर्स्ट होता है 1S, उस केस में कोई भी नोड नहीं होगी। P ऑर्बिटल में सबसे फर्स्ट कौन सा होता है 2P, डी में 3D एंड एफ में स्टार्टिंग ही 4F से होती है। तो इन सभी केसेस में जो है 0 नोड्स होंगी और जो बाकी केसेस रह गए उसमें जो है N-L-1 नंबर ऑफ नोड्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2S ऑर्बिटल है, 2S का मतलब क्या हो गया N की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कितनी होगी N-L-1, N की वैल्यू 2 पुट करोगे, L की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 नोड आ जाएगी। सिमिलर वे में अगर मैं 2P की बात करती हूँ, यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है, पुट करोगे 2-1-1 0 नोड होगी। अगर 4P लेके चले, N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1, 4-1-1 2 नोड्स हो जाएंगी। तो आपको जो है बस ये ध्यान रखना कि हर एक ऑर्बिटल का जो फर्स्ट वाली है कॉन्फ़िगरेशन में 1s है या फिर 2p है, 3d है, 4f है, उन सब में 0 नंबर ऑफ नोड्स होंगी और रिमेनिंग में जो नोड्स हम निकालेंगे वो इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे N-L-1 नोड। ओके, थैंक यू।